दिल्ली के शाहदरा इलाके में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, एक घायल बताया जा रहा है। एलपीजी लीकेज की वजह से हादसा हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि इमारत में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हो गया। अगर आप अपने घर में एलपीजी गैस लीकेज होने से बचाना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के साथ। गया गैस सेफ्टी डिवाइस, यानी कि हमारे जीवन का सुरक्षा कवच। ये किस तरह हमारे हादसों से रक्षा करके हमें बचाएगा, ये हुई ना बात। इसका नाम है गैस सेफ्टी डिवाइस, हमारे जीवन का सुरक्षा कवच। आग से होने वाले हादसों को रोककर हमारी रक्षा करता है। आप देख रहे हैं कि हमारा बर्नर जल रहा है और घर के बच्चे खेल खेल में अगर इस ट्यूब को खींच दे या फिर अचानक इस प्रकार भूल चूक से ये कट भी हो गया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ हो जाता है, देखा ना। अब इस वक्त अगर आप देखेंगे, नॉर्मली जब ये ट्यूब कट हो गया हो तो अचानक ट्यूब के कट होने के तुरंत बाद गैस लीक हो जाती है। ऐसे वक्त में अगर हम स्टोव ऑन करेंगे तो बहुत बड़ा आग का हादसा होगा, ये आपने सोचा होगा, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, आप ही की आंखों के सामने यहाँ आग को दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। कारण है, आप खुद जानते हैं, गैस सेफ्टी डिवाइस। नॉर्मली सिलेंडर से 640 पाउंड प्रेशर की मात्रा में गैस बाहर आता है, लेकिन अपने गैस सेफ्टी डिवाइस को फिक्स करने के बाद ध्यान देंगे तो आपको 160 पाउंड कम करके गैस को बाहर पहुंचाता है। ध्यान दीजिए, इसके द्वारा आपको 30 दिनों तक आने वाली गैस अब 40 दिनों तक तो जरूर ही आएगी। अब मीटर जीरो पर है, इसके बाद दोनों नॉब्स को ऑन करें। ऑन करने के बाद इस मीटर को 2 बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली गैस स्टोव तक पहुंचेगा। प्रेस करने के बाद मीटर को हम देखेंगे तो इस वक्त सिलेंडर में कितनी मात्रा में गैस है ये हम जान पाएंगे। इससे बेहतर रक्षा कवच और कहां? रसोई घर का रक्षा कवच।